तो इसी के साथ, इसी एनर्जी के साथ हम आगे जाते हैं कि हफ्ता तौर में हम क्या नया ला रहे हैं। जैसे कल सुजीत सर और केदार सर ने बोला है कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देना है कस्टमर्स को, कि आगे जो भी कमिंग ईयर है उसका हमको इस्तेमाल कर सके, हम प्रोडक्ट्स को कस्टमर को एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो लेट्स थिंक, जैसे नेक्स्ट का फिलॉसफी रहता है हमेशा कि हम जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन लैब स्केल करते हैं तो उसका एक अप्रोच रहता है कि हम सिंथेटिक केमिकल कोई यूज ना करें, प्रोडक्ट जो हो कम्प्लीटली नेचुरल ऑल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए उसे एक तो यूज हो, और हम चाहते हैं कि वन प्रोडक्ट और मल्टीपल सॉल्यूशन हम आपको दे सकें। तो इसी सोच को आगे लेते हुए हम आफ्टर मोर की कैटेगरी में तीन कैटेगरी में हम प्रोडक्ट ला रहे हैं। फर्स्ट है फेस केयर, दूसरा हेयर केयर एंड थर्ड वन इज बॉडी केयर। तो लेट्स मूव टू द फेस केयर। तो फेस केयर में कभी आपने देखा होगा जो मार्केट में रेगुलर फेस वॉश मिलते हैं उसके बैक लेवल पे इंग्रेडिएंट्स का एक कॉलम रहता है। तो इंग्रेडिएंट के कॉलम में जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है प्यूरिफाइड वाटर। तो गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से इसका परसेंटेज डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो टेक्निकली वो 70-90% ऑफ वाटर इन दैट प्रोडक्ट, बीच में प्रिजर्वेटिव एंड प्यूरिफाइड इंग्रेडिएंट सिंथेटिक केमिकल्स रहते हैं, और सबसे लास्ट पार्ट है जो आप देख सकोगे अगर आपको विजिबल है वहां पे फ्रूट एक्सट्रैक्ट एंड एवरीथिंग लिखा है। तो एक्चुअल क्वांटिटी में 1-5% रहते हैं। तो नेस्टअप की जैसे सोच है कि मार्केट से कुछ अलग ट्रेंड, अलग कुछ करना कर सके, तो इसके लिए हमने जो न्यू फेस वॉश डेवलप किया है वो बना है 70-80% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स से, जिसमें पानी का बिल्कुल भी परसेंटेज नहीं है। सपोर्टिव 20-30 इंग्रेडिएंट्स, 20-30% हमने सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स यूज किए जो भी नेचर सोर्स से लिए गए हैं। 0% सिंथेटिक केमिकल, 0% प्रिजर्वेटिव के साथ इंप्लांट। तो ये प्रोडक्ट है पाउडर फॉर्म्स में। सो पाउडर फॉर्म की जरूरत हमें क्यों गिरी कि मार्केट में डाइल्यूशन करके फेस वॉश दिए जाते हैं, तो हमने सोचा कि आपको एक प्यूरेस्ट एंड पुटेंट फेस वॉश दिया जाए, क्योंकि सबके घर में पानी होता है तो पानी देना जरूरी नहीं है। सो एक पोटेंट और प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ फेस वॉश हम आपको जार के जार में पाउडर फॉर्म में ला रहे हैं, तो आप घर में थोड़ा सा पानी डाल के उसको यूज कर सकते हो, अपना फेस वॉश खुद बना सकते हो। इसका दूसरा एप्लीकेशन मैं बोलूंगा कि इतना कॉस्ट इफेक्टिव है कि आपको एक 15 ग्राम का जार पूरे महीने चलने वाला है, जो 30 वॉशेस यूटेंट है। तो इसमें जो फेस वॉशेज है हमने इस बार स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉशेज किए हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है अपना ऑयल कंट्रोल फेस वॉश। तो डेफिनेटली ऑयली स्किन और एग्री प्रोन स्किन के लिए रहेगा, जिसमें हमने नीम एक्सट्रैक्ट डाला है जिसका एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी हम सबको पता है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि मार्केट में जितने भी नीम फेस वॉशेज मिलते हैं उसमें नीम का परसेंटेज 1-2% रहता है मैक्सिमम, लेकिन हमने जो परसेंटेज यूज किया दैट इज 40%। सो 40% ऑफ द फॉर्मुलेशन इज ओनली नीम एंड एडिशनल लट में एक ऑरेंज एक्सट्रैक्ट इज देयर ऑल्सो इन 20-30%। तो आप इसका रिजल्ट आप खुद सोच सकते हो कि कितना पोटेंट इसको बनाया गया है। अपना नेक्स्ट है ब्राइटनिंग फेस वॉश। तो इसको ब्राइटनिंग यानी फेयरनेस मत समझना, क्योंकि हम इस सारे रेंज में हम टैकल कर रहे हैं आपके प्रॉब्लम्स को कि आपको अंदर से स्किन को हेल्दी बनाया जाए। तो ब्राइटनिंग फेस वॉश में आप यूज कर सकते हैं ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए, जिसमें आपने मोरिंगा एक्स्ट्रैक्ट का यूज किया है। जो घर में हम ड्रमस्टिक्स खाते हैं तो आप सबको पता है कि वो मोरिंगा एक सुपर फूड, तो इसका इस्तेमाल किया गया है जिसमें विटामिन सी, ई और ई का बहुत ज्यादा प्रमाण में ही होता है। तो इसमें पल्लाश एक्स्ट्रैक्ट भी है, इसमें आपका जिंसिंग एक्स्ट्रैक्ट है जो आपकी इलास्टिसिटी बढ़ाता है स्किन की, आपके स्किन को डल नहीं होने देता है। तो ये थे फेस वॉश। अभी मार्केट में स्किन सीरम का ट्रेंड चल रहा है, हर कोई उठ के सीरम बना रहा है। अभी जो करंट में मार्केट में जो सिनेरियो है स्किन सीरम का, तो स्किन सीरम जो मिल रहे हैं वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम और स्पेसिफिक सॉल्यूशंस। अगर मुझे एजिंग का प्रॉब्लम है तो मुझे विटामिन सी लेना है, फॉर एग्जांपल मुझे ड्राइनेस का प्रॉब्लम है तो मुझे हेलुरोनिक एसिड लेना है। तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाता है कि मेरे को जितने सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं मेरे को एक से ज्यादा दो प्रॉब्लम्स होंगे तो मैं क्या करूँगा। तो प्रोडक्ट लेयरिंग का इशू क्रिएट होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं।
पता नहीं चलता है, उनको इतना अवेयर नहीं रहते हैं लोग। तो इसके वजह से हमने इसका सोल्यूशन निकाला है। अभी दो प्रोडक्ट हम ले भी रहे तो मार्केट में 500 रुपीज का एक सीरम आता है। तो अगर मुझे दो प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट 1000 रुपीज मेरा जाने वाला है। तो इट्स कॉस्ट एक्सपेंसिव होता है काफी सारा। तो इसका सोल्यूशन ने ऐसे निकाला है कि जो स्किन रिपेयरिंग सीरम हमने बनाया है वो एक्सोटिक और रिच इंग्रेडिएंट से बना हुआ, ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ, और आपके हर 5 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनने वाला है। तो इसमें पिगमेंटेशन, टैनिंग, डार्क स्पॉट, एजिंग, ड्राइनेस, ये सारे प्रॉब्लम्स कवर होने वाले हैं सिर्फ एक बॉटल में। आपको कोई प्रोडक्ट क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है। ये सीरम इतना पोटेंट है कि आपकी स्किन के एकदम इनर लेयर में जाके काम करता है। तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिव होने वाला है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया है मैं बताना जरूरी समझूंगा। ये जो टेक्नोलॉजी है एक्वाकुरिन टेक्नोलॉजी रहती है। इस टेक्नोलॉजी को नोबेल प्राइज मिला है 2003 में केमिस्ट्री में, जिसका यूटिलाइजेशन हमने अभी कॉस्मेटिक्स में किया है। तो मार्केट में जो प्रोडक्ट मिल रहे थे हेलोरोनिक एसिड और वाइटामिन सी के सीरम मिल रहे, तो इसका मुझे अगर मुझे चाहिए, किसी को पसंद है कि हेलोरोनिक सीरम उनको सूट करता है, कंफर्टेबल है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसका भी सोल्यूशन कि हमें हेलोरोनिक एसिड और वाइटामिन सी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ये सेम सीरम में आपको वो भी मिलने वाला है। और इसका कॉस्ट मैं बोलूंगा 50% ऑफ द मार्केट, मार्केट में जितने भी सीरम मिले उसके 50% सस्ता है। सेम चीज अप्लाई किया हमने हेयर सीरम में। हेयर सीरम का जो मार्केट है अभी, तो इसमें एक तो केमिकल्स का बहुत सारे हमने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, क्योंकि हमने देखा कि इसमें बहुत लिमिटेड नेचुरल सॉल्यूशंस अवेलेबल है मार्केट में, और जो कभी रूट पे काम नहीं करते, वो आइदर वो एंटी फ्रीज काम करते हैं, वो स्टाइलिंग के ऊपर काम करते हैं, वो शाइन के ऊपर काम करते हैं। तो हमने इससे थोड़ा सा आगे जाके हमने रूट को ही स्ट्रेंथ करने का सोचा। तो इससे हमारा प्रोडक्ट डेवलप हुआ रूट स्ट्रेंथनिंग हेयर सीरम। इसकी खासियत यह है कि ये आपके रूट को अंदर से हेल्दी बनाता है, ताकि आपका जितने भी हेयर्स का प्रॉब्लम है वो रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को पूछूं कि आपके हेयर में क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे 95% लोग यही बोलेंगे आइदर हेयर लॉस या डैंड्रफ। इन दो क्वेश्चन के अलावा, आंसर के अलावा मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हमने सिर्फ टारगेट किया ये दो ही प्रॉब्लम्स को, क्योंकि मेरे ये दो प्रॉब्लम सारे प्रॉब्लम्स का रूट है। अगर ये मैं दो प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता हूँ तो आगे के मेरे सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी खत्म हो गए हैं। तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स और टेक्नोलॉजी यूज की है, हमने बायोमरीन टेक्नोलॉजी का यूज किया है, साथ में एक्वाकुरिन टेक्नोलॉजी स्पीड में यूज की है हमने, उसको भी यूज किया है, ताकि आपका हाइड्रेशन इंटैक्ट रहे, आपका जो हेयर फॉल हो रहा है वो रुक जाए, डैंड्रफ कंप्लीटली वैनिश हो जाए, और आपको एक कंप्लीट पैकेज ऑफ सॉल्यूशंस आपके प्रॉब्लम्स के लिए मिल जाएगा, एक ही बॉटल, वन सिंगल बॉटल। इसका भी कॉस्टिंग है स्किन सीरम के जैसा ही है, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, और कोई आपको केमिकल्स यूज करने की जरूरत नहीं है मार्केट में। इसमें ये सारे प्रोडक्ट्स में सबसे बढ़िया मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि इसमें जो सर्टिफिकेशन हम लेने वाले हैं, दैट इज इकोसर्ट का सर्टिफिकेशन है, फ्रांस की एक बॉडी है, दुनिया का सबसे स्ट्रिंजेंट सर्टिफिकेशन, जो जिसका ऑडिट हम अभी कुछ आने वाले महीने में कंप्लीट करेंगे, और ये सर्टिफिकेशन हमारे हाथ में होने वाला है। तो दुनिया में आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, और इसका इकोसर्ट का नाम बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि वो बहुत शीक है। तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है शैम्पू बार। शैम्पू बार लाने के पीछे की सोच ये थी कि हमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि शैम्पू की बॉटल कैरी करें और वो स्पिलेज हो जाए, बॉटल हाथ से गिर जाएगी बाथरूम में। नेक्स्ट है हम नेचर, अभी नेचर की सोच धीरे धीरे हम बदल रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए थोड़ा सा मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्लास्टिक भी सेव कर रहे हैं, सो नेचर वॉच भी है, इजी टू कैरी है, डीप क्लींजिंग है, कंप्लीट शैम्पू का रिप्लेसमेंट देने वाला है, और आपके वेट और ड्राई कॉम्बिनेशन को इम्प्रूव करता है। तो ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ शैम्पू एंड कंडीशनर, सो इसमें कंडीशनिंग भी होने वाला है, तो आपको अलग से कंडीशनर लेने की भी जरूरत नहीं है।
जैसे नेचर की फिलोसॉफी है ये पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये पीएच बैलेंस है, इसका पीएच 5.5 रहने वाला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रेशिंग कॉफी सोप, इसमें ये हैंड क्राफ्टेड सोप होने वाला है, ये बना है रियल कॉफी बीन से और कोकोआ पाउडर से, जो आप बैरिस्टा में, एसएससीडी में या कहीं देखते हो जो जो कॉफी बीन्स आप पीते हैं वही इसमें डाले हुए, तो कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कलर या कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट हमें इसमें नहीं डाला है। ये आपको जनरली सोप का प्रॉब्लम ये रहता है कि वो लगाने से ड्राइनेस आता है, पर इसमें हमने ज्यादा फोकस उस पर ही किया कि उसका मॉइस्चराइजेशन ना जाए, वो सॉफ्ट बने और आपके स्किन को नरिश करता रहे। सो हियर इज द गाय, हाफ डन मोर की पूरी रेंज तो हमने भी आपके लिए ये साल के लिए लाई है, हम और भी प्रोडक्ट्स पे बहुत काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको एक एक प्रोडक्ट हम सौंपते जाएंगे। थैंक यू।